दोस्तों, शरीर से पूरी तरह से अपंग और व्हील चेयर पर बैठा यह इंसान, इसका शरीर तो पूरी तरह से बेजान था ही, लेकिन दिमाग एक आम आदमी के दिमाग से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। दोस्तों, इनका नाम था सर स्टीफन हॉकिंग। दोस्तों, जब वे महज 21 साल के थे तो डॉक्टरों ने उन्हें लाइलाज बीमारी बताई और कहा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से डॉक्टरों की भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। दोस्तों, डेवल फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, हम आपको इस महान वैज्ञानिक की 3 सबसे बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जो कि वाकई आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, मरने से पहले महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की थी जो अगर सच होती है तो आने वाले 20 सालों में पृथ्वी से इंसान नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने अपने 55 साल में बीमारी के दौरान यूनिवर्स पर इतना रिसर्च किया कि उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अलावा और कहीं भी जिंदगी मौजूद नहीं है। दोस्तों, उनका मानना था कि एक न एक दिन एलियंस पृथ्वी के बारे में जानने के लिए पृथ्वी पर जरूर आएंगे और दोस्तों पृथ्वी पर खोजा कर लेंगे। दोस्तों, आजकल बहुत सारे काम रोबोट की सहायता से किए जा रहे हैं और इनको एडवांस भी किया जा रहा है। दोस्तों, स्टीफन का कहना था कि रोबोट खुद रोबोट बनाने में लग जाएंगे और तब यह खुद को इतना एडवांस कर लेंगे कि ये इंसानों पर राज करने लग जाएंगे और ये इंसानों के बस में नहीं रहेंगे। दोस्तों, स्टीफन का कहना था कि पृथ्वी पर आ रहे एस्टेरॉयड से इतना खतरा पृथ्वी को नहीं है जितना कि पृथ्वी पर मौजूद न्यूक्लियर वेपन से हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद कई देश अपने आप को ताकतवर देश बनाने में लगे हैं जो कि आने वाले दौर में पृथ्वी के लिए खतरे का कारण बनेगा। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थे। दोस्तों, ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल डेवलप फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।